क्या दोस्तों आप लोग भी मिर्च के पौधे में लीफकर्ल वायरस से परेशान है? अगर आपके पौधे में लीफकर्ल वायरस एक बार लग जाता है तो वो एकदम पूरा पौधे का ग्रोथ रुक देता है, जिस वजह से पौधे में फ्लावर भी देखने के लिए नहीं मिलता है, और फ्लावर अगर नहीं आएगा तो फल भी नहीं आएगा, जिसमें आप लोगों को प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम ऐसा दो दवा के बारे में बात करेंगे जिस दवा को अगर आप लोग स्प्रे करते हैं तो लीफकर्ल वायरस को तो कंट्रोल करता ही है, और उसके साथ साथ अगर आपके पौधे में फ्लावर कम देखने को मिलता है या फिर फ्लावर ड्रॉप होता है तो उसको भी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, यानी फ्लावर को बढ़ा देता है और अगर फ्लावर ड्रॉप होता है तो उसको भी रोक देता है। तो जी हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं, एक है लाइजोरियास और यहाँ पर और एक दवा है, एक है एटाल नाम का दवा, और ये जो दो दवा है इस दवा के बारे में बात करेंगे। ये है लीफकर्ल वायरस के लिए और ये है फ्लावर के लिए, जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा, और इस दवा को हम प्रैक्टिकली आप लोगों को लाइव प्रूफ स्प्रे करके रिजल्ट के साथ आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लोगों को लाइक कर देना है, और अगर हमारे इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइजोरियास क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर मेरे हाथ में आप लोग देख पा रहे हैं, ये है लाइजोरियास। तो ये एक ऑर्गेनिक दवा है जो कि ये वायरस और बैक्टीरियल दोनों प्रकार बीमारियों को प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों एक्शन में काम करता है। प्रिवेंटिव यानी अगर आपके पौधे में किसी भी प्रकार की रोग नहीं लगा है और अगर आप लोग लाइजोरियास को स्प्रे करते हैं तो रोग लगने नहीं देता है पौधे के ऊपर, और अगर आपके पौधे में रोग एक बार लग गया और उसके बाद अगर आप लोग उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो भी ये लाइजोरियास काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, यानी प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों एक्शन में काफ़ी अच्छा लाइजोरियास काम करता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लाइजोरियास कौन कौन सी रोगों के ऊपर अच्छा काम करता है। तो लाइजोरियास वायरस के ऊपर तो अच्छा काम करता ही है, और उसके साथ साथ जो बैक्टीरियल जनित बीमारी होता है उसको ऊपर भी काफ़ी अच्छा काम करता है। सबसे पहले वायरस जनित रोगों की अगर बात की जाए तो जैसे कि शिमला मिर्च या फिर जो लतर जाती फसल होता है उसमें आप लोगों को वायरस का प्रकोप देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से, तो इसके ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से लाइजोरियास काम करता है। और उसके साथ साथ अगर आपके पौधे में बैक्टीरियल जनित बीमारी होता है जैसे कि लीफ स्पॉट होता है या फिर जो कैंकर होता है या फिर जो और भी जितने प्रकार की बैक्टीरियल जनित बीमारी होता है उसके ऊपर भी लाइजोरियास काफ़ी अच्छा काम करता है। आप दोस्तों बात कर लेते हैं लाइजोरियास को हम लोग कब, कैसे और कितने मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे हाथ में आप लोग देख पा रहे हैं, ये लाइजोरियास का डब्बा, और इसके अंदर आप लोगों को दो डब्बा मिलेगा। एक तो आएगा जो लाइजोरियास मेन दवा है, और उसके साथ साथ एक एक्टिवेटर आएगा। तो ये है 50 ml का एक्टिवेटर और ये है 1 ml का लाइजोरियास। तो ये जो 1 ml का लाइजोरियास है इसको आप लोगों को 50 ml का एक्टिवेटर के साथ मिला देना चाहिए एक साथ में, और उसके बाद 100 से 120 लीटर पानी में इस दोनों दवा को आप लोगों को मिला देना चाहिए। और उसके बाद अगर आप लोग मिर्च के पौधे में जैसे कि हमने यहाँ पर छिड़काव कर रहे हैं, और इस तरीके से छिड़काव करने के बाद 3 दिन बाद यहाँ पर आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हैं कितना अच्छा रिजल्ट आप लोगों को इसके अंदर देखने के लिए मिला है। तो ये हो गया दोस्तों लाइजोरियास के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब जो सेकेंड दवा फ्लावर बूस्टर जो होता है एटाल नाम का दवा, इसको अगर आप लोग स्प्रे करते हैं तो फूल फॉल को काफ़ी अच्छा बढ़ा देता है, और फ्लावर अगर ड्रॉप होता है तो उसको भी काफ़ी अच्छा ये रुक लेता है। एटाल एक नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया गया फ्लावर बूस्टर है, जो कि इसके अंदर आप लोगों को ब्रोन इथेनॉल माइन टेक्निकल देखने को मिलता है, और ये वाटर सोल्यूबल है, आप लोगों का पानी में तुरंत घुल जाता है, और इसको अगर आप लोग स्प्रे करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। आप दोस्तों बात कर लेते हैं ये जो एटाल है इसको हम लोग कब, कैसे और कितने मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे हाथ में आप लोग देख पा रहे हैं, ये 100 ml का एटाल है, और इसको आप लोगों को 1 एकड़ के लिए लगभग 100 से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना है। अब दोस्तों ये जो दवा है इसको तो हम यूज करेंगे, लेकिन इसको मंगाएंगे कैसे? तो इसको मंगाने के लिए हम जैसे कि किसान फॉर यू ऐप से मंगाए हैं तो आप लोग भी वहां पर मंगा सकते हैं, और अगर आप लोग अमेजोन से मंगाना चाहते हैं तो भी मंगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग एटाल या फिर लाइजोरियास दोनों दवा का लिंक है, आप लोग वहाँ से भी मंगा सकते हैं। तो किसान फॉर यू ऐप से मंगाना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले आपका मोबाइल ले लेना चाहिए, और मोबाइल लेने के बाद सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर खोल लेना चाहिए। प्ले स्टोर खोलने के बाद आप लोगों को यहाँ पर किसान फॉर यू ऐप सर्च करना है। किसान फॉर यू ऐप सर्च करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना चाहिए, और उसके बाद ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को स्क्रीन मिल जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को शॉप का एक ऑप्शन मिलेगा। तो शॉप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को लाइजोरियास और जो एटाल है वो मिल जाएगा, और उसके अलावा अगर नहीं मिलता है तो आप लोग ऊपर में सर्च बॉक्स में ऑप्शन है उसमें आप लोगों को एटाल नाम पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं एटाल आ गया है। इस तरीके से अगर आप लोग सर्च करते हैं तो आप लोगों को आसानी से ये दवा यहाँ से बाय नाउ करके ऑर्डर कर सकते हैं।
दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों लाइजोरियस और एटल को आप लोग मंगा सकते हैं और आप लोग अपने फसल के अंदर प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को काफी शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों एटल और लाइजोरियस दोनों दवा के बारे में पूरे डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर हमारे इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।